इसके बाद ये 2 मिनट मेरे हाथ में, इसके कलर से भी आप लोगों का अंदाजा हो जाएगा, पीली यानी कि येलो कलर में ये ईंट है आप लोगों को नजर आ रही होगी, उसके और इसके कलर में फर्क है। तो इसको टकरा के चेक करते हैं किसका आवाज कैसी आती है। ये आप देख सकते हैं इसकी आवाज मोटी है और उसकी आवाज ब्रीक आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुहेब, हाजिर हूं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो है ईंटों की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान में ईंटों का रेट क्या चल रहा है, मुकम्मल तफसील के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। खासतौर पर ईंटों की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं इसके बारे में आज हमारी वीडियो है। मेरे हाथ में 2 डिफरेंट तरह की ईंटें हैं, आप देख सकते हैं ये है दोम ईंट और ये है अव्वल। सबसे पहले इनके कलर्स में ही आप लोगों को फ़र्क नज़र आ जाएगा कि अव्वल कौन सी है और दोम कौन सी है। ये आप देख सकते हैं ये अव्वल है, इसका कलर और पकाई बहुत ही ज़बरदस्त है, नज़र आ रही है। और इसके अलावा ये है पीली ईंट, जिसका कलर पीला होगा वो आप लोगों को नज़र आ जाएगी, ये 2 मिनट है। इसके अलावा आप इनको 2 अव्वल ईंटों को आपस में टकरा के भी, इनकी आवाज़ से भी आप लोग, सबसे पहले ये मेरे पास 2 अव्वल ईंटें हैं, इनको हम टकरा के चेक कर सकते हैं कि इनकी आवाज़ कैसी आती है। अगर आपके लोगों की आवाज़ घंटी की तरह ब्रेक आवाज़ आएगी तो यानी कि वो अव्वल ईंट है, अगर आवाज़ फैल जाएगी मोटी आवाज़ आएगी तो वो 2 मिनट है। सबसे पहले इस आवाज़ को आप लोगों ने देखना है और उसके बाद 2 मिनट को भी आपस में टकरा कर देखेंगे कि कौन सी अव्वल है और कौन सी दोम है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि भट्टे में 3 तहों में ईंटें जो हैं, 3 तहों में ईंटों को पकाया जाता है। सबसे नीचे जो ईंट होती है वो खंगर ईंट होती है, सेंटर में अव्वल ईंट आ जाती है जो कि ये मेरे पीछे भी अव्वल ईंट है, उसके अलावा जो सबसे ऊपर होती है जिसको जो हीट है वो बहुत कम मिलती है वो ये 2 मिनट है। इस पर जो हीट है यानी कि जो नीचे अंगारे वगैरह कोयले होते हैं, इसकी हीट इस ईंट तक कम पहुंचती है, ये कि क्योंकि सबसे ऊपर होती है इसलिए इसकी पकाई में थोड़ी कमी रह जाती है और ये 2 मिनट कहलाती है। सेंटर में अव्वल, सबसे नीचे खंगर ईंट और सबसे ऊपर आप लोगों को 2 मिनट नज़र आएगी। तो अभी ये 2 अव्वल ईंटें हैं, इनको टकरा के चेक करते हैं कि इसमें आवाज़ कैसी आती है। ये आप देख सकते हैं टल्ली की तरह ब्रीक आवाज़ आ रही है, यानी कि ये अव्वल ईंट है। इसके बाद ये 2 मिनट मेरे हाथ में, इसके कलर से भी आप लोगों का अंदाज़ा हो जाएगा, पीली यानी कि येलो कलर में ये ईंट है आप लोगों को नज़र आ रही होगी, उसके और इसके कलर में फ़र्क है। तो इसको टकरा के चेक करते हैं किसका आवाज़ कैसी आती है। ये आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ मोटी है और उसकी आवाज़ ब्रीक आ रही थी, तो यानी कि इसकी पकाई में कमी है इसलिए ये 2 मिनट है। और इसके कलर में भी आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा, ये भी आप देख सकते हैं ये रेड कलर में है तो ये अव्वल ईंट है। एक और भी ये भी अव्वल ईंट है, इसको हम डब वाली ईंट भी बोलते हैं, ये भी अव्वल ईंट कहलाती है। इसके दोनों तरफ आप वाइट वाइट आप लोगों को डब नज़र आ रहे होंगे, ये भी अव्वल ईंट है। इसके अलावा ईंट को देखने से आपस में टकराने से ईंट का अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी अव्वल ईंट है और कौन सी दोम है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मैं आप लोगों को रेट्स बता दूं ईंटों के, अव्वल ईंट का जो आजकल पाकिस्तान में रेट चल रहा है वो 12 से 12,500 में इस तरह की आप लोगों को ईंट मिल जाएगी। अगर थोड़ी ज़्यादा अच्छी ईंट चाहते हैं जिसके जो कॉर्नर्स वगैरह हैं वो ज़्यादा अच्छे हों तो वो 13 से 13,500 रुपये में 1,000 आप लोगों को ईंट मिल जाएगी। उसके अलावा ये जो 2 मिनट है ये आप लोगों को 9,000 से 10,000 रुपये की रेंज में, यानी कि 9,500-9,000 क्वालिटी के हिसाब से आप लोगों को ये ईंट मिल जाएगी 2 मिनट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।